17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा द्वारा पीएम मोदी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में सफाई कर्मचारियों के लिए सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए और उन्होंने पीएम मोदी के 70वें जन्मदिवस पर 70 सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। दरअसल भाजपा द्वारा आयोजित इस सेवा सप्ताह दिवस की कड़ी में दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में अश्विनी चौबे ने दिल्ली के सफाई कर्मचारी को सम्मानित किया। अश्विनी चौबे ने इस दौरान महिला कर्मचारियों को साड़ियाँ भेंट किया, तो वहीं दूसरी ओर पुरुष कर्मचारियों को पटका पहनाकर उनकी हौसला अफजाई की। आपने आज यहाँ पर जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष हमारे विजय जी, सारे लोगों ने मिल करके जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है रोहिणी क्षेत्र में, मैं आभारी हुआ। बहुत अच्छे कार्यक्रम आपने किया है, साड़ी वितरण का कार्यक्रम और लोगों को वस्त्र वितरण करने का कार्यक्रम, महिला और पुरुष ऐसे जो नगर पालिका के अंदर काम करने वाले भंडारा, ऐसे सभी जगहों पर जो कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी यशस्वी हो, आप सभी भगवान आपको दीर्घायु रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी रहे, सभी आरोग्य रहे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी भद्र हो, माँ कश्चित दुखभाग भोगे और कोई दुखी ना रहे, और जो दुखी है उस दुखिया का साथ देने के लिए हम सब लोग अगर उस दुखी को दुख को दूर करने में सहयोगी होते हैं, यही हमारी भारतीय संस्कृति है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भाजपा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना की। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने सभी लोगों की दीर्घायु की कामना की और कहा कि सभी लोग एक दूसरे की मदद करें और सुख दुख में सहभागी बने, यही हमारे भारत की संस्कृति है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सभी लोग मास्क पहने, यही एकमात्र कोरोना की वैक्सीन है। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।